दोस्तों, अगर आप भी भारत की ऐतिहासिक जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुए। बांग्लादेश के बल्लेबाज टीम इंडिया को मिली 280 रनों की ऐतिहासिक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बांग्लादेश की टीम को शिकस्त दे दी है। तो दोस्तों, मैं आपको चौथे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भारतीय टीम के इस शानदार परफॉर्मेंस को 100 में से कितने अंक देंगे, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज चौथे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट। शुरुआत से ही तो दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने अपना स्कोर आगे बढ़ाया, तो नज़मुल हुसैन शांतो और साकिब अल हसन इस टीम के लिए आज चौथे दिन के शुरुआत करने उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत तो काफी शानदार की, क्योंकि शुरुआती एक घंटे तक तो कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आए दोनों बल्लेबाज, और इनके बल्ले से कई बेहतरीन शॉट देखने को मिले। जब आज के दिन की शुरुआत की हम बात करें तो मोहम्मद सिराज के ओवर में साकिब अल हसन ने पहला चौका जड़ा। जब उन्होंने कवर की तरफ गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, तो इसके बाद 45वां ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह के 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका लगाने में कामयाब हुए। स्क्वायर लेग की तरफ साकिब अल हसन और दो चौकों के साथ उन्होंने शानदार आगाज किया आज के दिन का। तो इसके बाद दोस्तों 46वें ओवर में एक और शानदार चौका यहां पर नज़मुल हुसैन शांतो के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने फाइन लेग की तरफ गेंद को शानदार शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद रविंद्र जडेजा की गेंद पर भी शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को बैकवर्ड स्कल्ले की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। टीम के कप्तान नज़मुल हुसैन शांतो ने इसके बाद यहां पर साकिब अल हसन बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी यहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच यह साझेदारी 48 रनों की हो गई। 47वें ओवर की आखिरी गेंद पर लगे चौके के साथ ही दोनों बल्लेबाज अच्छा योगदान दे रहे थे। तभी 52वें ओवर की चौथी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन का आज का पहला ओवर डालने आए, लेकिन 52वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने साकिब अल हसन को यशस्वी जयसवाल के हाथों कैच कराकर पैवेलियन भेजा और आज के दिन की भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। रविचंद्रन अश्विन कमाल का गेंदबाजी करते हुए चौथा विकेट हासिल कर चुके थे। साकिब अल हसन 56 गेंदों पर 25 रनों की पारी खेलकर पैवेलियन लौटे। इसके बाद यहां पर 55वें ओवर की चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए लिटन दास को भी रोहित शर्मा के हाथों कैच कराकर पैवेलियन भेजा और आज के दिन की दूसरी सफलता टीम इंडिया को मिल गई। यहां पर लिटन दास 10 गेंदों का सामना करने के बाद एक रन बनाकर पैवेलियन लौटे। इसके बाद मेहंदी हसन मिराज को भी चलता किया। रविचंद्रन अश्विन ने 58वें ओवर की 5वीं गेंद पर मेहंदी हसन मिराज बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर लंगन पर खड़े रविंद्र जडेजा के हाथों में गई गेंद और यहां पर 5वीं सफलता प्राप्त कर ली रविचंद्रन अश्विन ने, और भारत की तरफ से सबसे अधिक उम्र में 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए, जिन्होंने 38 की उम्र में 5 विकेट लिए। 10 गेंदों पर 8 रन बनाकर मेहंदी हसन मिराज पैवेलियन लौटे, तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों नज़मुल हुसैन सांतो शतक पूरा करना चाहते थे, तो बड़ा शॉट खेलना उनकी मजबूरी थी, और इसी बीच 59वें ओवर की आखिरी गेंद पर वो अपना कैच थमा बैठे। जसप्रीत बुमराह को बुमराह ने एक और शानदार कैच पकड़ा और यहां पर पैवेलियन भेज दिया। नज़मुल हुसैन शांतो को शंतो की हम बात करें तो 127 गेंदों का इन्होंने सामना किया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए महत्वपूर्ण 82 रनों की पारी खेली, लेकिन यह भी अपना शतक पूरा नहीं कर पाए। इसके बाद 60वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने एक और सफलता प्राप्त की और यहां पर तस्कीन अहमद को पवेलियन भेजा। तस्कीन बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद वहीं पर खड़ी हुई और मिड ऑन पर खड़े मोहम्मद सिराज ने शानदार उनका कैच पकड़ा
और अपनी छठी सफलता प्राप्त करने में कामयाब हुए रविचंद्रन अश्विन। यहां पर तस्कीन अहमद चार गेंदों का सामना करने के बाद 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद आखिरी सफलता यहां पर रविंद्र जडेजा को मिली, जिन्होंने यहां पर 63वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए हसन महमूद को यहां पर बोल्ड करके पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम ने 234 रनों पर दूसरी पारी में बांग्लादेश की टीम को ऑल आउट करने के साथ ही 280 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया। 6 विकेट रविचंद्रन अश्विन ने लिए तो 3 विकेट रविंद्र जडेजा को मिले और इस मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से पहली पारी में शतक व दूसरी पारी में शानदार 6 विकेट लेने वाले रविचंद्रन अश्विन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो दोस्तों, भारतीय टीम का इस शानदार परफॉर्मेंस इस टेस्ट मुकाबले में आपको कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।